So students, let's take another advanced illustration, because advanced illustration में मैं ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन कोशिश करता हूँ जिनमें लैंग्वेज उस तरह की हो जैसी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, और जेई एडवांस में क्वेश्चन टफ नहीं आते, पहले भी बात हो चुकी है. इफ यू जस्ट हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन, इट इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेक्टिलिनियर मोशन. फिनोमेना इज ट्रायंगल मोशन ऑफ अ बॉल ऑन इंक्लाइन प्लेन. तो रेक्टिलिनियर मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन विल टॉक. इट सेज अ पार्टिकल रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर ग्लू व्हिच लाइज इन द प्लेन ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा. Which is 53 degree here, and the corners of triangular groove are curved to neglect impulse. मतलब जब ball यहाँ पे corner से pass होगी तो कोई impulse नहीं लगेगा, it will pass on with the same speed. And it is asking calculate the time of a complete round trip after releasing the ball from top at corners of triangle due to curve. Ignore any change in speed. So अगर आप यहाँ solution की बात करेंगे तो question लंबा है. JEE Advanced में ज्यादातर ऐसे ही questions आते हैं. Fundamentally आपको concept extraction use करके solve करना होता है, पहले भी बता चुका हूँ. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें triangular groove में जो ball का acceleration होगा, we'll talk about this. If this angle is 53 degree, we know acceleration along the inclined plane जो A होगा, this will be G sine 53 degree. That is equals to 4g by 5. लेकिन अब जब इस ट्रायंगुलर ग्रूव की बात करेंगे तो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. तो बॉल जब इस ट्रायंगुलर ग्रूव पे चलेगी तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉल. तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल a1 वी कैन राइट a cos 30 डिग्री. सो दिस कम्स आउट टू बी 4g by 5 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 इज √3 by 2. सो यहां पे आप देखें दिस कम्स आउट टू बी 4√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस दी एक्सेलरेशन ऑफ बॉल. और अगर हम इस ग्रूव की लेंथ देखें, इसकी लेंथ l हमें दी गई है 8√3 मीटर. तो इसको कवर करने में जो टाइम लगेगा, यू कैन राइट इट √2l/a1. सो टाइम विल बी √2 × 8√3 डिवाइडेड बाय a1 इज 4√3. यू कैन सी इट कम्स आउट टू बी 2 सेकंड. यानी बॉल को इस ग्रूव में यहां से यहां, यानी इस पॉइंट तक आने में 2 सेकंड लगेंगे. तो फिर हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करके ऊपर जाने में भी 2 सेकंड लगेंगे. तो दिस पाथ विल टेक 2 सेकंड, दिस पाथ विल टेक 2 सेकंड. वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय बॉल इन द हॉरिजॉन्टल पाथ. सो इफ वी कैलकुलेट वेलोसिटी एट बॉटम ऑफ ग्रूव, यू जस्ट चेक इट, द वेलोसिटी ऑफ बॉटम ऑफ ग्रूव वी कैन राइट इट a1t. सो दिस विल बी 4√3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कम्स आउट टू बी 8√3 मीटर पर सेकंड. सो ये वाला टाइम अगर टी डैश है हॉरिजॉन्टल ग्रूव में कवर करने का, सो हियर वी कैन राइट दिस टी डैश इज इक्वल्स टू एल बाय वी. सो दिस 8√3 डिवाइडेड बाय 8√3 इज कम्स आउट टू बी 1 सेकंड. सो इफ वी कैलकुलेट टाइम ऑफ राउंड ट्रिप, हियर यू कैन सी टाइम ऑफ राउंड ट्रिप कैन बी रिटन एज this will be 2 second plus 1 second plus 2 second, it comes out to be 5 second. That's the answer to this question. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस question में actually कुछ नहीं था, थोड़ा सा carefully manage करना था, लेकिन JEE Main में कभी ये question नहीं पूछा जाएगा. This analysis is very important. इस तरह के आप बहुत सारे question जो हमारी JEE Advanced की Advanced Illustration book है इसमें available हैं. You just follow the book. मुझे पता है बहुत सारे student follow कर रहे हैं, और इस book के illustration के बाद की series को मैं भी continue कर रहा हूँ. It will take time once the series will get over. तो इस book में ये सारे question भी हम आगे include कर देंगे. अभी अपन वीडियोस से कनेक्टेड रहे. आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द पेस, ऑल्दो आई एम बिजी, बट आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द पेस. ज्यादा से ज्यादा एडवांस इलस्ट्रेशन आई विल पुट इन जो JEE Advanced 21 और आने वाले अपकमिंग ईयर्स में हेल्पफुल रहेंगे.